अगर एक पीडीएफ से मुझे ये पता चल जाए कि डीएसए कैसे करूंगा, कॉलेज के सब्जेक्ट कैसे करूंगा, कौन सी एल्गोरिथम करूंगा और कॉलेज के सब्जेक्ट में से मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फालतू के नहीं पढ़ने, लेकिन हाँ कौन से पे ज्यादा ध्यान देना है वो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मजा आ जाएगा, है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो, लेकिन अब मेरी बात सुन लो, डाउनलोड कर ली हो तो। तो देखो अभी हम डिस्कस करते हैं एक एक चीज अच्छे से कि कैसे मैं सारी चीजें करूंगा। अब देखो अगर एक मैं प्रॉपर प्लान की बात करूं कि एक भैया प्लान जो डीएसए एंड कॉलेज सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए तो वो कैसे होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा बीएसए स्टूडेंट के लिए। तो कुछ स्टूडेंट जो बीएसए में है और जो बीटेक में है वो एक ही चीज को टारगेट कर रहे हैं, है ना, जो कि है हमारी अच्छी कंपनी। लेकिन देखो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि बीएसए में सॉरी बीसीए में और बीटेक में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है कि बीसीए को वो कोर ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाए जाते सब्जेक्ट, और जो बीटेक वालों को एक प्रॉपर डेप्थ में 5 की 5 यूनिट पढ़ाई जाती है। बहुत ज्यादा फर्क है एक पढ़ाई में। तो अपने सब्जेक्ट को बीटेक के सब्जेक्ट को कंपेयर मत करना, लेकिन कंसेप्ट को कंपेयर कर सकते हो। जितना तुम्हारे कॉलेज में जितना तुम्हारे सिलेबस में है उतना पढ़ो, तुमसे उतना पूछा जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस और एक बीटेक वाले का इंटरव्यू प्रोसेस एज एन फ्रेशर लेवल पे अलग होगा, एक्सपीरियंस लेवल पे फिर वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। अब मेरी बात यह क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि क्या डीएसए करना जरूरी है। देखो अगर एक अच्छी कंपनी निकालनी है भैया तो डीएसए कर लो, नहीं तो डेवलपमेंट के तौर पे कुछ ही कंपनी लेती है, और वो भी जब आपसे टेक्निकल राउंड लेंगी तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछेंगी डीएसए में से या फिर लिखवाएंगी, ठीक है, बढ़िया, ये डाउट क्लियर है। अब भैया हम करेंगे क्या और कैसे करेंगे, अब वो मेरी बात सुन लो। देखो ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किए हैं, देखो बीसीए में टोटल ये सारे 8-9 सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से आपको ये हाईलाइट वाले पे ज्यादा ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी को सबको छोड़ दो, नहीं, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं और सेम ये बीटेक वालों के लिए है, ये आपको जिंदगी में आपके पूरे डेवलपमेंट के करियर में आपको हमेशा काम आएंगे। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ये मैं, अब मैंने बता दिया, देखो दोनों सब्जेक्ट अलग है, बीटेक वाला ज्यादा पड़ेगा, बीसीए वाला उसे कम पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि मैं जावा प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, अब मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूँ तो एक और सिनेरियो सामने आ जाता है कि भैया हम C++ से करें, जावा से करें या फिर हम के सी से करें। देखो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, आज तक मेरा ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं रहा है जहां मुझसे कोई ये बोले कि भैया नहीं आपको ये पाइथन में ही लिखना है कोड, ऐसा नहीं है। देखो आपको जो लैंग्वेज इसमें से चूज करनी है, पाइथन सी सी प्लस प्लस जावा, आप कर लो, लेकिन एज एन सी का कोई ऐसा महत्व नहीं है, है ना। तो मैं कहूंगा कि आपसे ऊप्स लैंग्वेज पढ़ो, कोई जावा कर लो, सी प्लस प्लस कर लो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन क्या है, जावा से करो ताकि आपको आगे चल के फिर से लैंग्वेज सीखने की जरूरत ना पड़े। हालांकि आपके डेवलपमेंट करियर में आप बहुत सारी लैंग्वेज सीखोगे जब जब आपको उसकी नीड होगी, लेकिन अभी मैं आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहता। तो अभी जावा पढ़ो, मस्त रहो, ठीक है, और आगे जाके डेवलपमेंट में भी काम आएगी, चलो कर लो। और अभी तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज फास्ट है कौन सी लैंग्वेज स्लो है, ना, एक लैंग्वेज पकड़ो और बढ़िया से चालू हो जाओ। चलो अब डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ये मैं बताता हूँ कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रो टिप दूंगा मैं ये पूरे सब्जेक्ट कवर करने के बाद। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, डीबीएमएस पढ़ेंगे, अब हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क कब काम आएगा, जब आप डेवऑप्स की तैयारी कर रहे होगे, डीबीएमएस तो हमेशा ही काम आएगा, एक डेवलपर के साथ हमेशा चलता है। अब देखो एक प्रो टिप क्या है, देखो आपको सेमेस्टर एग्जाम के बाद कुछ 15-1 दिन की छुट्टी मिलेगी, आपको एक साल के जब जैसी आपकी एक ईयर कंप्लीट हो जाती है आपको 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, कॉलेज स्टार्ट होने से पहले एक लैंग्वेज सीख लेनी है, ठीक है, बीटेक वालों के लिए या फिर बीसीए वालों के सबके लिए एक ही प्लान है। जैसे आपको सेमेस्टर की छुट्टी मिलती है आपको दिख रहा है कि अगले सेमेस्टर में मेरा डीएसए आने वाला है, ठीक है, या फिर जो निकल गए हैं उनके लिए तो ये प्लान है नहीं, है ना। तो ये पहले से करके रखो, लेट सपोज आपने जो चीजें पहले से की है वो 30% आ गई आपको, अब 30% आप कॉलेज में सीख गए, हो गया 60%, अब जब से खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको 80 बना ही लोगे, है ना। तो ऐसी चीजें चल रही हैं, ऐसा सिर्फ डीएसए के साथ नहीं है, जो जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगे, जैसे कि पहले आपको सब्जेक्ट का कैरिकुलम देख के पता चल जाएगा कि कौन से अच्छे हैं, वो उठा लेने हैं, और वहां से सिर्फ ये चीजें देखनी है कि अब इसमें से मुझे कौन सा मेरा कोर सब्जेक्ट है जो मैं इसमें से लिस्ट में से आपको बता रहा हूँ वो आपको पहले से पढ़ लेना है, ठीक है भैया। अब डीएसए कैसे पढ़ना है, ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई। देखो अब डीएसए इसके साथ साथ करना है, ये सब्जेक्ट आपके पूरे ग्रेजुएशन में कंप्लीट होंगे, एक सेमेस्टर में तो नहीं आने वाले, लेकिन आपका डीएसए आपके पहले या सेकंड सेम से आ जाएगा, या फिर बीटेक वालों के सेकंड ईयर से आएगा, लेकिन आपको पहले ईयर से ही करना है। हाँ बात आ गई, मस्ती करनी है
मस्ती को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करो, क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल खेलो, जो खेलना है खेलो, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई कर लो, 3-4 घंटे तो निकाल ही लोगे ना दोस्त। ठीक है चलो, अब 2-1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ऐसा तो कर ही सकते हो। अब मैंने बोला डीएसए में एरे करूंगा मैं, तो ऐसा नहीं है कि एरे से करके पूरे टॉपिक कर रहा हूं मैं, नहीं, एरे करना है, थोरेटिकली समझना है, फिर मुझे जाना है लीथ कोड पे और अपने टॉपिक्स लगाना स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आज स्लाइडिंग विंडो पढ़ी, एरे में क्या होती है, मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा कि एरे कैसे चलता है, इंडेक्सिंग कैसे कैलकुलेट होती है, बढ़िया। अब मैं एक एक टॉपिक पढ़ूंगा, जैसे कि एरे में क्या है, देखो हर एक टॉपिक में एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन दे देगा, नहीं। अब जैसे डुप्लीकेट फाइंड आउट करने हैं, तो एक ये पैटर्न हो गया कि डुप्लीकेट कैसे फाइंड आउट करोगे, मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना, तो एक पैटर्न हो गया। तो ऐसे ही आप धीमे धीमे करके आप इजी क्वेश्चन से लगाना स्टार्ट करो, फिर अपने आप को ग्रेजुअली इंक्रीज करो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि मैं सारे एक साथ करूंगा, नहीं, पहले एरे क्लियर करो, इसके 50-60 क्वेश्चन कर लो, जब मुझे संतुष्टि हो जाएगी, हाँ भैया मुझे समझ में आ गया है, अब लिंक लिस्ट पे मूव करते हैं। लिंक लिस्ट में आपको सिंगली डब्ल्यू और सर्कुलर पढ़ना है, सबसे आसान टॉपिक है लिंक लिस्ट, अगर एक बार समझ में आ जाए तो। फिर हम पढ़ते हैं कि स्टैक और क्यू, ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू, बढ़िया। अब मैं ट्री की बात करता हूँ, देखो ट्री आप बाइनरी बीएसटी पढ़ोगे, अब यहां तक का जो डेटा ऊपर का था ना, ये डेटा स्ट्रक्चर, अब ये आपको एक अच्छी कंपनी निकलवाने के लिए अच्छा काम कर देगा, लेकिन आप एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि ओला, उबर, पेटीएम, एयरटेल, अब आपकी फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब टारगेट कर रहे हो, तो देखो ट्री एंड ग्राफ मस्ट है भैया, इनको मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि देखो इनसे पता चलता है कि आपने कितनी मेहनत की है। आपको लग रहा होगा फालतू के टॉपिक है, फालतू के नहीं है, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके ये इंटरव्यू राउंड्स में, तो इनको करो, बाइनरी ट्री, बीएसटी, एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, बी ट्री। अब ग्राफ में आप डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ पढ़ोगे, हैश टेबल एंड हीप्स। अब यहीं से एल्गोरिदम की बारी आ जाती है कि मैं एल्गोरिदम कौन सी पढ़ूंगा भैया। तो देखो इस पूरे डीएसए के दौरान जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे होगे, तो आप ये एल्गोरिदम कहीं ना कहीं देख लोगे कि ग्रीडी क्या होती है, रिकर्जन कैसे चलता है, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होती है ना। लेकिन आप जब एल्गोरिदम को स्पेसिफिकली पढ़ोगे कि एक एल्गोरिदम है बेलमन फोर्ड, वो क्या होती है, तब मजा आएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो। चलो तो हम कौन सी पढ़ेंगे, सर्चिंग, शॉर्टिंग, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च पढ़ ली हमने। अब सर्चिंग शॉर्टिंग में मैं शॉर्टिंग की कौन सी पढ़ूंगा कि सर्चिंग कंप्लीट कर ली, आप बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्ट शॉर्ट हैं बहुत सारी, लेकिन मैंने मेन मेन रख रखी है, ये जो नीचे की तीन है, क्विक, हीप, और ये आपके मेन इंटरव्यू में पूछे जाने वाली है। अब ग्राफ पढ़ोगे, देखो ग्राफ की यहाँ पे मैंने एल्गोरिदम रख दी है, लेकिन जब आप ग्राफ पढ़ रहे होगे तो इनके बिना काम नहीं होता, बीएसएफ डीएसएफ का ग्राफ का करोगे कैसे, ट्रेवर्स कैसे करोगे, राइट? तो ये आप ग्राफ में पढ़ ही लोगे। अब नीचे एल्गोरिदम देखते हैं कि बेलमन फोर्ड आपकी, ये प्रिम्स एल्गोरिदम है, फ्लड एल्गोरिदम है, ये सारी एल्गोरिदम आप पढ़ोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी ग्राफ में क्या क्या पढ़ना है। अब डिवाइड एंड कॉन्कर जैसे मैं बात कर रहा था, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपको समझना होगा पहले रिकर्जन, ठीक है, उसके बिना आपके ट्री और ग्राफ के क्वेश्चन नहीं होंगे। आप रिकर्जन समझ के डायनामिक प्रोग्रामिंग करोगे, फिर डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी, ये सारी एल्गोरिथम आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे पढ़नी है। हाँ चलो, बैक ट्रैकिंग हो गया और स्ट्रिंग की एल्गोरिथम हो गई। अब एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आता है कि भैया मैं लीथ कोड पे करूँ, मैं जीएफजी पे करूँ, तो देखो मेरा सजेशन है कि लीथ कोड पे करो। क्यों? कुछ इंटरव्यूज ऐसे होंगे जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन अभी लीथ कोड के चिपका दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लीथ कोड कर रहे हो तो आपका इंटरव्यूअर भी तो कर रहा है, थोड़ा सा सोचो, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस आपको डिट्टो मिल जाएंगे, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, भले ही इनपुट वैल्यू चेंज हो, लेकिन आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट, क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा। तो आपको क्या करना है, पैटर्न वाइज क्वेश्चन देखने हैं, और इनिशियली डीएसए के नोट्स कैसे बनाने हैं वो आप मेरे को बताना, मैं बता दूंगा कैसे बनाने हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चंस का पैटर्न मिल रहा है कि मैंने स्लाइडिंग विंडो का किया, तो उसके क्वेश्चन लिख लेने हैं कि इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको इनिशियली थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएगा वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी, इतना आपको कोई सोचने की उसमें जरूरत है नहीं। अब आई होप इस पूरी वीडियो से आपको ये क्लियर तो हुआ होगा कि भैया हम कैसे चीजों को करेंगे, कैसे एल्गोरिदम करेंगे, कैसे डीएसए करेंगे, सब्जेक्ट पे हमें कौन सा ध्यान देना है, लैंग्वेज कौन सी चुननी है, मैंने बहुत सारी चीजें एक वीडियो में कवर की हैं, और मैंने आई होप इस आपको एक राइट डायरेक्शन में एक अच्छे पाथ पे गाइड किया होगा, और इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी, ठीक है। अब ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है, तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा, जरूर रिप्लाई करूंगा।
और अगर कुछ अपडेट्स के लिए अगर डीएसए के क्वेश्चंस रोज चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैं एक रोज क्वेश्चन डालता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, कंसेप्ट रिवाइज हो सके और उस क्वेश्चन के साथ हमेशा नया सीखते हो, तो ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। आई होप इस वीडियो से कुछ वैल्यूबल मिला होगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।